सामने की बड़ी तस्वीर, अब तक की बड़ी तस्वीर, तमाम जो एम्बुलेंस है वो लग गई है टनल के ठीक बाहर। मेडिकल टीम अंदर गई है, एनडीआरएफ की टीम अंदर गई है जो प्राथमिक जांच करेगी। हमारे देश के 17 मजदूर जो फंसे हुए हैं वो कभी भी बाहर निकलेंगे, और एक और एम्बुलेंस बाहर निकल रही है। लोगों की बेचैनी देखिए, छतों पर चढ़े हुए हैं, पूरी तरह जमघट लगा हुआ है, वो तस्वीर वो देखना चाहते हैं जब शवों के निकलने का सिलसिला शुरू होगा। और अब वक्त हो गया है आज की सबसे बड़ी खबर की पड़ताल का। देखिए, आज दिन मंगलवार है और एबीपी न्यूज देशवासियों के लिए मंगल समाचार लेकर आया है। 17 दिन बाद वो घड़ी आ गई है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। चंद लम्हे अभी और बाकी हैं, देश के वीर जवानों की मेहनत के आगे मुश्किल घुटने टेकने ही वाली है। जिन 41 जिंदगियों के लिए दुआओं का दौर जारी था वो अब कबूल होने वाली हैं। देश ने दिवाली मनाई, महापर्व छठ की छटा भी देखी, लेकिन अब वो परिवार ये त्योहार धूमधाम से मना पाएंगे जो अपनों की सलामती की खातिर दिन रात दुआओं में जी रहे थे। सुरंग का मुंह खुलेगा और सभी 41 जान सकुशल बाहर निकलेंगी। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा, सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का रिजल्ट बस आने ही वाला है थोड़ी ही देर बाद। आप एबीपी न्यूज के साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि हर तस्वीर सबसे पहले आप सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर ही देख रहे हैं। और यकीन जानिए कि यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कि देश के लाडले अपने घरों तक नहीं पहुंच जाते। और इसीलिए उत्तरकाशी से 17 दिन से हमारे सहयोगी भी वहीं पर उसी सुरंग के सामने मैदान पर डटे हुए हैं। अंकित गुप्ता, दीपक रावत और संजय त्रिपाठी, तीनों को आप देख रहे हैं। आपको सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की ग्राउंड रिपोर्ट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, उनका रुख हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से यह खुशखबरी, किसी भी वक्त खुल सकती है टनल। टनल में दाखिल हुई एनडीआरएफ की टीम, टनल में ले जाए गए स्ट्रेचर और गद्दे, टनल के बाहर एम्बुलेंस को तैनात किया गया है, डॉक्टर मुस्तैद है पहले से ही, तो पूरी तैयारी और अब इंतजार सिर्फ इस बात का हो रहा है वो सभी 41 मजदूर जो 17 दिनों से उस टनल के भीतर फंसे हुए थे वो बाहर आ जाएं। किसी भी वक्त इन्हें निकाला जा सकता है, इसे लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। टनल में स्ट्रेचर ले जाए गए हैं, वहां पर गद्दे ले जाए गए हैं अंदर, टनल के बाहर एम्बुलेंस की पूरी व्यवस्था है, डॉक्टर्स की पूरी टीम तैनात है कि जब भी वो अंदर से बाहर निकले वो मजदूर, क्योंकि 17 दिन से वो वहीं पर फंसे हुए थे और उन्हें अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो तुरंत उन्हें उपचार दिया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था, अस्पताल तक का जो रास्ता है वो भी पूरी तरीके से बना लिया गया है, वो कॉरिडोर भी तैयार है। तो आज मंगलवार के दिन ये शुभ समाचार किसी भी वक्त आपके सामने आ सकता है जब चट्टानों को चीरकर हमारे 41 वीर बाहर आएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारी ये उम्मीद है कि अगले 4-5 मीटर शायद और हमारा होगा, बिल्कुल अंदाज बिल्कुल एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। लेट इवनिंग तक हमें कुछ अच्छी खबर मिले और सबकी प्रार्थना बिल्कुल आपकी जारी रहे, उससे बहुत फायदा होता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि कुछ ही मीटर की दूरी बची है, हो सकता है 3 मीटर, हो सकता है 5 मीटर, और एग्जैक्ट देर इज लाइक कुछ, क्योंकि किस लेवल पे निकल रहा है, कितना पाइप टिल्ट हुआ है, वो सारे के सारे प्रोजेक्शंस जो भी हैं, दो ही माइट बी समवेयर बिटवीन 57 to 59। तो आप जिस ढंग से भी आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ घंटे हमारे लगने की संभावना है, अगर कुछ और ऐसी अड़चन नहीं आई जिसके चांसेस रिलेटिवली बहुत कम है। तो एक्सपर्ट्स और अधिकारी जो बार बार इसकी जानकारी दे रहे हैं कि आखिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, तस्वीरें भी इस बड़ी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए आप एम्बुलेंस देखिए, पूरी तरीके से यहां पर तैनात है, गाड़ियां लगी हुई हैं, लोग, क्योंकि लोगों का भी अब जो आज कम से कम एक राहत उन्हें इस बात को लेकर मिली कि अब कुछ घंटे बस बाकी हैं। तो देखिए तस्वीरें, ये एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया गया है टनल के अंदर। देखिए यहां पर पूरा वो सामान आपको जो मेडिकल से जुड़ा हुआ है वो यहां पर है, डॉक्टर्स की पूरी टीम को है जो है वो तैनात किया गया है। एक टेम्परेरी हॉस्पिटल यहां पर बना लिया गया है कि कोई भी दिक्कत अगर उन्हें होती है उन तमाम 41 मजदूरों को, उन्हें फौरन वो उपचार दिया जाए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दूं, उत्तरकाशी रेस्क्यू से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी है, चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है, चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे पर तैनाती की गई है, तो मजदूरों को एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है, उसकी भी तैयारी यहां की गई है।
चिनूक हेलीकॉप्टर इसके लिए तैयार है और उसे चिन्याली सौड़ हवाई अड्डे पर तैनात किया गया है। तस्वीरें भी आपके सामने एबीपी न्यूज रख रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। चिनूक हेलीकॉप्टर यहां पर तैनात किया गया, चिन्याली सौड़ हवाई अड्डा है ये, जहां पर चिनूक को पहले से ही तैयार कर दिया गया है, क्योंकि मजदूरों को एयरलिफ्ट भी यहां से किया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत यहां आती है, मतलब आप सोचिए कि हर एक विकल्प तैयार है, आप कोई कमी ना रहे। जब मजदूर बाहर आए, अगर उन्हें किसी तरह की फौरी तौर पर जरूरत होती है, तो उसका हर इंतजाम यहां पर है। आपको एक बार फिर ग्राउंड पर लिए चलते हैं, अंकित, दीपक और साथ ही हमारे साथ संजय भी बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, जल्दी से ताजा अपडेट दे दीजिए वहां से, क्या हो रहा है वहां पे? बस आखिरी कुछ मिनटों का इंतजार, मैं इतना जरूर कहूंगा। उसकी वजह क्या, उसकी वजह ये पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं। इस वक्त यहां पर चल क्या रहा है, ये देखिए, जो टनल है, टनल के मुख्य द्वार पर ही हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो अंदर पहुंच चुकी है। हमने तस्वीरें दिखाई किस तरीके से जो डॉक्टर्स की टीम अंदर पहुंची है, उसने हॉस्पिटल अंदर सेटअप कर लिया है। और अब जैसी इस वक्त के लिए बड़ी खबर वो ये है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं, वो जो रेस्क्यू टनल बनाई गई है उससे अंदर तक पहुंच चुके हैं, उन जो मजदूर हैं उन तक पहुंच चुके हैं, 41 मजदूरों तक पहुंच चुके हैं। और जो स्टैंडर्ड और जो ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होता है, एसओपी होता है, उसके मुताबिक वहां पर उनको समझाया जा रहा है, उनका बेसिक चेकअप किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से, पिछले 17 दिनों से ये जो मजदूर थे ये टनल के अंदर थे, और ऐसे में चुनौतियां ये थी कि वो लोग जो अंदर हैं उनको किसी तरीके की परेशानी तो नहीं है, उनका ऑक्सीजन लेवल तो नहीं कम हो रहा है, उनका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ है, या जो मानसिक तौर पर वो किसी तरीके से परेशान तो नहीं हो रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं जो शुरुआती तौर पर चेकअप किया जा रहा है, उसके बाद वो निकलेंगे बाहर। ठीक है, आप रहिए अंकित, आपके पास फिर से हम लौटेंगे, हमारे और भी सहयोगी बने हुए हैं। लेकिन देखिए, आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का ये 17वां दिन है। 12 नवंबर को जब टनल का हिस्सा धंसा और मलबे की दीवार ने 41 जिंदगियों को घेर लिया था, तब से लेकर अब तक ऐसे जान बचाने के सबसे बड़े काम को अंजाम दिया जा रहा है। आप इन जरा 17 तस्वीरों से आप समझिए, समझ सकते हैं आप, एक एक करके आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो समझने में आसानी होगी कैसे मुश्किल हालातों में पहाड़ का सीना चीर कर वीरों को बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। ऐसा लग रहा था कि जो भी यहां पर कोशिश की जा रही है वो विफल हो रही है, हर कोशिश फेल होती दिखाई दे रही थी, लेकिन आखिरकार अब जाकर ये 17वां दिन जो है वो सफलता यहां पर दिख रही है। संजय, अब कुछ मिनट कहूं या कुछ थोड़ा सा समय और कहूं बस बचा है, वो मजदूर हमारे सामने होंगे, उन्हें निकलते हुए हम देखेंगे, क्या जानकारी आपके पास? देखिए श्रीन, लगभग 1:30 बजे के आसपास वो वक्त था जब जो 800 एमएम का पाइप था उसने दूसरा जो सिरा जहाँ पर मजदूर फंसे हुए थे उसको पार कर लिया था। अभी 4 बजे के आसपास का वक्त हुआ है और अभी से, मतलब मान लीजिए 2.5 घंटे का वक्त हुआ है, इतना ही वक्त लगता है इस सारी कार्रवाई को होने में। जो हमारी एक्सपर्ट से बात हुई अभी भीतर जो मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि टनल जो 800 एमएम का पाइप डाला गया है उसके दोनों तरफ प्लेटफॉर्म बनेगा, जिधर मजदूर फंसे हैं उधर भी प्लेटफॉर्म बनेगा और इधर जहाँ पर ये मजदूर निकाल करके लाए जाएंगे वहाँ भी प्लेटफॉर्म बनेगा। अभी जो जानकारी मिल रही है कि दोनों तरफ का प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, इससे पहले टनल की सफाई का काम किया जाना था जो पूरा हो चुका है। अब किसी भी क्षण ये जो कार्रवाई शुरू होनी है, उस तरफ से ट्रॉली के जरिए मजदूरों को एक एक करके दूसरे हिस्से में निकाला जाएगा, फिर उनका मेडिकल चेकअप होगा, उसके लिए बकायदे पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं, ये सारी कार्रवाई होनी है। अब किसी भी क्षण, किसी भी वक्त जो हमें खबर मिल रही है कि अंदर से मजदूरों को बाहर लाने का काम शुरू किया जाएगा, मतलब जो टनल का दूसरा हिस्सा है जहाँ पर मजदूर फंसे हैं वहाँ से, इस ओर जहाँ से टनल ये जो 800 एमएम का पाइप है वो डाला गया। जी सिरिन, बिल्कुल आप रहिएगा संजय। और देखिए किस तरीके से अब वो अंतिम दौर की कोशिशें हैं, जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से जो है वो सफल होगा, जब वो 41 मजदूर बाहर लाए जाएंगे। आप रहिए हमारे साथ, मैं दीपक का भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले देखिए 17 दिनों का ये युद्ध एक तरीके से आप समझिए इसे, क्योंकि 17 दिनों की ये कोशिश है, ये जद्दोजहद है, कैसे 17 टीमें लगी रही तब जाकर ये आजादी अब मुमकिन हो पाई है। यहां पर टीम नंबर 1 एनडीआरएफ की टीम यहां पर लगाई गई इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, दूसरी टीम जो एसडीआरएफ, यहां पर एसडीआरएफ के भी जो तमाम कर्मचारी हैं, नंबर 3 पर है आईटीबीपी, फिर ओएनजीसी की भी टीम यहां पर मौजूद है, लगातार 17 टीमें हैं कुल मिलाकर जो 17 दिनों में लगातार कोशिशें कर रही हैं। बीआरओ की भी जो टीम है, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं वो मौके पर हैं, एनएचआईडीसीएल की भी टीम वहां पर मौजूद है, इसके अलावा एसजेवीएन इसकी भी टीम वहां पर मौजूद है, ये सभी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं, टीएचडीसी के कर्मचारी, उसके एक्सपर्ट्स, रेल विकास निगम लिमिटेड के भी वहां पर अधिकारी भी हैं, भारतीय वायुसेना भी इसमें मुस्तैदी से जुटी हुई है, और इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस को भी वहीं पर तैनात किया गया है।
राइट माइनर्स जो खुद इस सुरंग के भीतर गए, मद्रास सैपर्स सेना का ही यह हिस्सा है, ये 13 टीमें आपने देख ली, अभी और भी हैं। देखिए एनडीएमए की भी टीम वहां पर मौजूद है और मुस्तैदी से जुटी हुई है, पीएमओ ने पूरी निगरानी की, उसकी टीम वहां पर मौजूद थी, ये भी आपने देखा। तो ये वो तमाम जो टीमें हैं वहां पर मौजूद हैं और इन्हीं के जरिए ये मुमकिन हो पाया है। मौजूदा हालात को लेकर बताया जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सुनवाते हैं। क्योंकि सबको मालूम है कि रेलवे के पास बहुत एक्सपर्टीज होती है टनलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस तरह का काम हो रहा है अभी कश्मीर के रेलवे के लिए टू कनेक्ट जम्मू टू बारामूला, उस तरह के काम में बड़ा उनका तजुर्बा है। तो द फर्स्ट थिंग वॉज मेड टू द रेलवे बोर्ड एंड टू द रेलवेज टू ब्रिंग देयर एक्सपर्टीज फॉरवर्ड एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड एंड डिफरेंट एजेंसीज हैव जॉइंड इन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंडियन एयरफोर्स का काम, एनडीआरएफ का, जो जिसकी दो टीम वहां पर लगातार काम कर रही हैं, ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स दैट द एनडीआरएफ हैज बीन इन्वॉल्व्ड विद, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने सड़कें अलग अलग किस्म जगह बनाई हैं जहां पर सामान लाने के लिए बड़ी मशीनों को लाने के लिए ब्रॉडन किए हैं, सड़कों को ब्रॉडन किया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, जिन्होंने आकर वहां पर पूरी कनेक्टिविटी, अभी तो आराम से हम बात कर रहे हैं वहां से मीडिया बात कर रहे हैं, पूरा कनेक्टिविटी वहां से इम्प्रूव की है। और राज्य सरकार को नहीं भूल सकते इसमें, राज्य सरकार, देयर इन्वॉल्वमेंट, एसडीएमए, एसडीआरएफ, उत्तराखंड की एसडीआरएफ जो है बड़ी मानी हुई एसडीआरएफ है, इट्स बीन इन्वॉल्व्ड इन मेनी सच डिजास्टर सिचुएशंस इन द पास्ट। और आखिर में मैं समझता हूँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बिना डिप्टी कमिश्नर साहब और एसएसपी के कोई चीज नहीं हो सकती कहीं। आई थिंक दे हैव डन अ मार्वलस जॉब, एब्सोल्युटली। मगर ये सब तब मुमकिन होता है व्हेन द डायरेक्शंस फ्रॉम द टॉप आर एब्सोल्युटली क्लियर कट। अगर डायरेक्शंस हैं ऊपर से, अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, आप माननीय प्रधानमंत्री से देखिए, वहां से पीएमओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद कल गए वहां पर, मुआयना किया पूरा, टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, गेव डायरेक्शंस, एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत थी उस पर डायरेक्शंस दिए, बात की अंदर, सबका मोराल और मोटिवेशन बढ़ाया वहां पर। ऑल दिस हैज हेल्प्ड इन मेकिंग श्योर दैट जितनी रिसोर्सेज, जो बिखरी हुई रिसोर्सेज हैं, उन सबको एक साथ एकजुट करना और उसका इफेक्टिवनेस निकालना, उसका लाभ निकालना, दैट इज द वर्क ऑफ द लीडरशिप एंड दैट इज वॉट एग्जैक्टली हैज बीन डन हियर, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स द मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। जन वी के सिंह साहब वहां खुद मौजूद हैं, ज्यादातर वक्त वहीं पर मौजूद थे, और यहां तक कि जहां पर भी एक्सपर्टीज भारत में है, जहां पर भी जो कोई ऑफर कर रहा था उसको एक्सेप्ट किया, उनको एनेबल किया वहां जाने। चट्टानों को चीरकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, बीते 16 दिनों से 17वां दिन है आज सफल होने जा रहा है, क्योंकि किसी भी वक्त गुड न्यूज आ सकती है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर, सुरंग हादसे पर बड़ी खबर है अभी की, मजदूरों को निकालने में 1 घंटा लग सकता है, तो मजदूरों को अभी बाहर निकालने में थोड़ा समय और, 1 घंटे का समय अभी और लग सकता है, जैसी जानकारी मिल रही है वहां से, सुरंग हादसे पर ये अभी का बड़ा अपडेट। मजदूर जब बाहर निकलेंगे तो उसमें अभी थोड़ा सा इंतजार, लोगों को निकालने में एक पाइप है जो बाधा बना हुआ है, फिलहाल पाइप को काटने का काम चल रहा है, और जब ये पाइप काटा जा सकेगा तब उसके बाद मजदूर बाहर निकाले जाएंगे। तो अभी का ये अपडेट मजदूरों को लेकर, मजदूर अभी 1 घंटे का समय और लग सकता है जब वो इस सुरंग से पूरी तरीके से बाहर आ पाएंगे, लेकिन आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन 17वें दिन जो है वो पूरी तरीके से सफल होने जा रहा है, ये जरूर आज के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि इंतजार पूरे देश को था। अब सीधे रुक कर लेते हैं, संजय के पास चलते हैं। संजय, क्या जानकारी, बताया जा रहा है कि एक पाइप है जो बाधा बन रहा है, उसे काटा जा रहा है, क्या अपडेट है इस पर? बिल्कुल शरीन, ये टनल जो है उसके भीतर 800 mm का पाइप डाल करके जो रास्ता बनाया गया था, इसे श्रमिकों को निकालना था। तमाम बाधाएं आपने देखी, शुरू से ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आई, 17वां दिन है, लगातार एक के बाद एक समस्याएं पेश आई हैं, लेकिन अभी जिसको आखिरी समस्या, आखिरी हर्डल के तौर पर बताया जा रहा है, वो एक पाइप है जो इस रास्ते पर आ गया है, उस कारण से वो जो ट्रॉली है
जिससे जो मजदूर हैं उनको भीतर से बाहर लाया जाना है, उस ट्रॉली का मूवमेंट नहीं हो सकता है, इस कारण से उसको पाइप को काटना पड़ रहा है। चूँकि आप सोचिए 57 मीटर पाइप अंदर जा चुका है, उसके भीतर जा करके गैस कटर से उस पाइप को काटा जाता है, तो ये बड़ा मुश्किलों भरा काम है। लेकिन अभी जो दावा किया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी ये पाइप काट लिया जाएगा, उसके बाद जो प्रक्रिया होती है SOP जो है उसको फॉलो करके जो श्रमिक हैं उनको निकालने का काम किया जाएगा, जिसमें मान के चलिए लगभग 1 घंटे का वक्त अभी और लग सकता है। तो ये दावा है कि ये आखिरी हर्डल है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का जो 17 दिन तक चला है, लेकिन अब उसको दूर कर लिया जाएगा। गैस कटर काम कर रहा है और अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसी टनल में लगातार बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें की निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अब कुछ ही देर में जो एक्सपर्ट्स निकल के भीतर से बाहर आए हैं उनका कहना है कुछ ही देर में ये पाइप काट करके अलग कर दिया जाएगा और उसके बाद जो श्रमिक भीतर फंसे हैं उनको एक एक करके बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। जो मेडिकल सर्विसेज वहाँ डिप्लॉय की गई हैं, सारे इंतज़ाम किए गए हैं, सबसे पहले उनका मेडिकल होगा और आगे कार्रवाई उसके बाद होगी। लेकिन अभी ये पाइप जो है वो कहीं ना कहीं अंतिम बाधा के तौर पर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में आकर खड़ा हो गया है कि ये अब आखिरी बाधा हो, इसके बाद कोई और अड़चन ना आए, कोई और ऐसी दिक्कतें सामने ना आए जिसकी वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को फिर रोकना पड़े। बहरहाल आप सभी नजर बनाकर रखिए और देखिए हॉस्पिटल में भी पूरी तैयारियां की गई हैं। 17वें दिन अब 41 मजदूर और उनके परिजनों का वो इंतजार खत्म हुआ कि आखिर कब वो इस टनल से, इस सुरंग से बाहर निकल पाएंगे। और देखिए आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, एक तरफ से तो अस्पताल भी तैयार है, एक टेम्पररी अस्पताल भी बना लिया गया है। ये देखिए टेम्पररी अस्पताल की तस्वीरें, यहाँ पर अस्पताल जैसा ही आपको नजर आएगा, हर एक जरूरत की जो चीज है वो वहां पर मौजूद है। दूसरी तरफ मजदूरों को अगर जरूरत पड़ती है तो एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी है। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये हेलीकॉप्टर, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है जिसे यहाँ रखा गया है और अगर जरूरत पड़ती है तो इस हेलीकॉप्टर के जरिए, इस चिनूक के जरिए उन मरीजों को एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। तो पूरी तैयारी है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई है। 41 मजदूरों के लिए अस्पताल पूरी तरह तैयार है। चिन्याली सौड़ अस्पताल में मजदूर लाए जाएंगे सुरंग से निकाले जाने के बाद और अस्पताल के अंदर स्पेशल वार्ड बनाया गया इन सभी के लिए। 41 मजदूरों के लिए एक एक बेड रिजर्व रखा गया है, ऑक्सीजन समेत पूरे इंतजाम अस्पताल में किए गए हैं। और ये किस तरह से इंतजाम किए गए हैं अभी वहां से और क्या अपडेट हमारे पास है, दीपक रावत वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए बताएंगे। दीपक जी बिल्कुल शीरीन, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, यही वो सामुदायिक अस्पताल है चिन्याली सौड़ का, जहां पर 41 बेड खास तौर पर तैयार किए गए हैं और पिछले एक हफ्ते पहले ही इसको तैयार कर लिया गया था। जब ये खबर आ रही थी कि हम सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर हैं और ये 41 लोग बाहर आ जाएंगे, उस दिन बहुत उम्मीद थी, देर रात तक सबने इंतजार किया लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। लेकिन आज हम जब ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, थोड़ी देर बाद 41 लोग एक एक करके बाहर आ जाएंगे, फिर एम्बुलेंस में बिठाकर उनको यहाँ लाया जाएगा। करीबन 40 किलोमीटर की दूरी है जिसे एम्बुलेंस को तय करने में 45 मिनट का वक्त लग जाएगा। हालांकि ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया यहां तक आने के लिए और जब यहां पर पहुंचेंगे तो आप सुरक्षा के इंतजाम देखिए बहुत ज्यादा किए गए हैं ताकि ज्यादा लोग उनके करीब ना आ सकें, उनको परेशान ना करें और इस तरीके से उनका यहां पर बेहतर इलाज हो सके। चिन्याली सौड़ इसलिए भी जरूरी है शिरीन क्योंकि यहां पर एयर स्ट्रिप भी है, हेलीपैड है, जहां पर चिनूक जो है वो यहीं पर ही उसको रखा गया है, वो इसलिए कि किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और लगता है डॉक्टर्स को कि अगर बहुत ज्यादा समस्या है तो उसे तुरंत एयरलिफ्ट कराया जा सके, ऋषिकेश, देहरादून या दिल्ली ले जाया जा सके। इस बीच महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कुछ डॉक्टर्स को देहरादून से, दिल्ली से भी यहाँ पर बुलाया गया था, जो थोड़ी देर बाद पहुँच भी जाएंगे, उनके बारे में ये जानकारी दी गई है कि वो इसलिए ताकि वो भी बेहतर जांच कर सकें कि किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि 17 दिन बहुत लंबा वक्त होता है, बहुत लंबा वक्त जब अंदर आप फंसे हुए हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन आपको कुछ लिमिटेड मात्रा में दी जा रही है, खाना लिमिटेड मात्रा में दिया जा रहा है, जहाँ से आप बाहर की दुनिया को नहीं समझ सकते हैं, सूरज की रोशनी को आपने नहीं समझा है, तो ऐसे में उन तमाम चीज़ों का, तमाम बातों का ध्यान रखा जाएगा। इसलिए कितने दिन तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, अगर सिर्फ चिन्याली सौड़ में ही रखना है तो ये भी आगे तय किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये है कि पूरा का पूरा ग्रीन कॉरिडोर होगा और एक के बाद एक कई सारी एम्बुलेंस यहाँ पर आपको आती हुई नजर आ जाएंगी। जाहिर है क्योंकि कोई नहीं जानता आखिर अभी उन 17 मजदूरों की जो स्थिति है वो क्या है और इसीलिए हर जरूरत का इंतजाम कैसे यहां पर किया गया है वो हमारे सहयोगी आपको बता रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ, जिंदगी बचाने की ये जद्दोजहद, युद्ध स्तर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया और इस ऑपरेशन में किस तरह से अलग अलग प्लान बनाए गए हैं ये प्लान भी आपको हम जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि जिंदगियां बचाने के लिए यहां 7 प्लान तैयार किए गए। आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो प्लान थे जिस पर काम हुआ है अब तक। प्लान नंबर 1,
हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ, तो दूसरा प्लान जो था वो था वर्टिकल ड्रिलिंग का। फिर इसके साथ ही यहां पर ऑगर मशीन को लगाया गया, टनल के ऊपर पहाड़ी पर भी ड्रिलिंग का जो है वो प्लान तैयार किया गया। ये एक एक करके आपको प्लान बता रहे हैं। रैक माइनर्स ने मैनुअल खुदाई वहां पर की, इसके बाद 86 मीटर खुदाई का जो है वो प्लान बनाया गया था कि इतना 86 मीटर तक खुदाई होगी। टनल के पैरेलल भी ड्रिलिंग का काम लगातार वहां पर हुआ, पड़कोट साइट से भी ड्रिलिंग की गई। ये तमाम प्लान है, प्लान बना, काम शुरू नहीं हो पाया। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर काम उसके बाद जो है वो वहां किस तरीके से किया गया वो भी आपने देखा। ड्रिफ्ट टनल बनाने की योजना, स्पेशल सेंसर से वाइब्रेशन चेक किया गया। और प्लान नंबर 7, मेडिकल सहायता। मेडिकल सहायता ये बहुत जरूरी है और इसी को लेकर अभी भी देखिए वहां पर कैसे एक टेम्परेरी जो अस्पताल वहां पर बना दिया गया है। टनल के बाहर एम्बुलेंस जो है वो तैनात की गई है, वो साफ वहां पर देखी भी जा सकती है कि एम्बुलेंस को तैनात किया गया। चिन्यालीसौड़ हॉस्पिटल पूरी तरीके से अलर्ट है, दीपक ने वहां से आपको जानकारी दी कि कैसे वहां भी पूरी तैयारी, रिजर्व किया गया है एक एक बेड, क्योंकि 41 मजदूर हैं और इनकी किसी भी तरीके की अगर यहां तबियत बिगड़ती है या कोई ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है तो उसके लिए हर तैयारी दिखाई दे रही है। अब चलिए अभी क्या वहां से और अपडेट है, अंकित का रुख कर लेती हूं। अंकित, कोई नया अपडेट, कोई और जानकारी वहां से? शिरीन, फिलहाल अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये 41 मजदूर जो पिछले 17 दिनों से फंसे हुए थे वो टनल से बाहर निकलेंगे। देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं टनल के अंदर से, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। जो तमाम लोग हैं जो इस वक्त टनल के आसपास हैं, वो सभी लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। आपको बहुत हल्का मूवमेंट नजर आ रहा है। एक तरफ जो बाबा बौकनाथ का मंदिर है और उसी के बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि धार्मिक आस्था जिनकी है कि बाबा बौकनाथ के आशीर्वाद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखिए, अंदर एक जो है बुलडोजर जा रहा है। ये संभवतः अंदर जो कुछ जो मलबा अलबा है या कुछ सामान है उसको जो बाहर लाने के लिए, या जी नहीं, अभी लग रहा है कि वो कुछ और सामान लेकर के आया है। कुछ ड्रम्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो लगातार इस वक्त जो है जो गतिविधियां चल रही हैं वो बहुत ज्यादा जो है तेज नहीं चल रही है, क्योंकि पिछले 3-4 घंटों में हमने देखा है यहाँ पर बहुत तेज गतिविधियां आगे बढ़ी थी। कभी एम्बुलेंस आ रही थी, कभी रोड बनाने का काम चल रहा था, एनडीआरएफ की टीम अंदर जा रही थी, डॉक्टर्स अंदर जा रहे थे, लगातार जो है मुख्यमंत्री आए, तो काफी घटनाक्रम काफी तेजी से हुआ था। लेकिन अब सबको पता है जिस चीज के लिए ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था वो रेस्क्यू टनल बना ली गई है। एनडीआरएफ के जवान अंदर पहुंच रहे हैं और ऐसे में आखिरी कुछ घंटों का इंतजार जब वो मजदूर निकलेंगे टनल से बाहर। बिल्कुल, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि एक पाइप बाधा बन रही है और जैसे ही वो दूर होती है तो एक घंटे का समय अभी और लग सकता है मजदूरों को बाहर निकालने में। बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, बाबा बौकनाथ का धन्यवाद, टनल में पाइप डालने का काम पूरा हुआ, जल्द टनल से बाहर आएंगे श्रमिक भाई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को वो खुद अपनी निगरानी में करा रहे हैं, उनकी एक एक नजर बनी हुई है और आज खुद वो फिर से एक बार साइट पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि बाबा बौकनाथ का धन्यवाद क्योंकि अब टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। सुनिए जरा। टनल निर्माण में लगे हुए हमारे 41 श्रमिक भाई अभी अंदर हैं, सकुशल हैं, वैसे तो उनको सभी प्रकार की जो भोजन से लेकर ऑक्सीजन पानी इत्यादि की तमाम प्रकार की जो आपूर्ति है वो लगातार हो रही है, सुरक्षित भी हैं और तेजी से उस पर काम भी चल रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार प्रत्येक दिन उन सब के बारे में कि किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत न हो, सभी सुरक्षित बाहर निकले, उन सब की लगातार चिंता कर रहे हैं। तो सभी के लिए लगातार प्रयास भी हो रहा है और इतने दिनों से एक पूरा सभी के सामने पूरे राष्ट्र के समक्ष एक ऐसा संकट आया हुआ है, उस संकट से हम सबको निजात मिलेगा, हमारे श्रमिक भाई वापस आएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो सभी जल्दी से जल्दी सब कुशल बाहर आए। तो पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना और वो इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दे रहे थे। बाबा बौकनाथ के की बात उन्होंने कही और कहा कि उनका आशीर्वाद बना हुआ है, जल्द से जल्द ये पूरा होगा। और उन्होंने बताया कि श्रमिकों से लगातार बातचीत जो हो रही है उसके आधार पर उन्होंने कहा कि सकुशल हैं सभी। लेकिन यहाँ देखिए, अब तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, ऑपरेशन टनल जो अपने बिल्कुल आखिरी दौर में है, लेकिन ये फाइनल प्लान कैसे बना ये आपको समझना चाहिए कि आखिर ये फाइनल प्लान किस तरीके से तैयार हुआ। सिलकियारा की ओर से ड्रिलिंग हुई, ऑगर मशीन लाई गई, उससे ड्रिलिंग की गई, ड्रिलिंग के दौरान टनल में दरार भी आई, ऑगर का ब्लेड जो है वो टूटकर फंस गया था। मैनुअल ड्रिलिंग का प्लान बना,
रैट माइनर्स की टीम को यहां पर बुलाया गया। रैट माइनर्स ने हाथ से खुदाई वहां पर शुरू की, हाथ से ही पूरा खोदने का जो काम है वो हुआ। ये पूरा प्लान जिस तरीके से ऑपरेशन टनल उन तमाम 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद कुछ इस तरीके से हुई है। अंकित शायद कोई अपडेट देना चाहते हैं। अंकित जी नहीं, अपडेट नहीं है, लेकिन बस इतना जो है कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो लगातार जिस तरीके का डेवलपमेंट चल रहा है तो अब जो है बस इसी बात का इंतजार है कि कभी भी वो जो 41 मजदूर है वो बाहर निकलेंगे। और इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो अभी भी अंदर बने हुए हैं, यानी कि करीबन जो है हम देखें तो 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। समझा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण ये चीज़ है। और इस सबके बीच में एक जानकारी और निकल के सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के यहाँ पर जो श्रमिक हैं 41 में से 8 ऐसे हैं, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। और सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि बिहार है, झारखंड है, अलग अलग राज्यों के तमाम जो लोग यहां पर जो 41 लोगों में शामिल हैं, और इसी वजह से तमाम जगह से लगातार अपडेट्स भी लिए जा रहे हैं। जी ठीक है अंकित, बिल्कुल अपडेट लगातार लिए जा रहे हैं, और जिस तरीके से देखिए अब इंतजार है, और इंतजार कब खत्म होगा अभी भी यही लग रहा है। हालांकि आखिरी 1 घंटा जो है वो बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स की अधिकारियों की तरफ से, जिसका सबको इंतजार था वो शुभ घड़ी बस आने ही वाली है। जाहिर है कि परिवार के लिए इससे बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती दूसरी, अपने भाई, अपने पिता, अपने बेटे को देखने के लिए लोगों की आंखें तरस गई हैं। ऐसे शुभ मौके पर और शुभ समाचार की आस में क्या कहना है सभी का, आपको सुनवाते हैं। हम लोग को बहुत आनंद है, बहुत खुशी है कि भला भगवान किसी तरह से सुन लिए हैं, अब लोग खुशखबरी हम लोग को मिला है, खुश हैं सभी परिवार। भगवान के सहारे 70 दिन हम लोग बिताए, और सरकार के भी उम्मीद से और भगवान की उम्मीद दोनों से लगा करके हम लोग सहारा ही ले रहे हैं, सहारा भगवान का कि वहीं पार करेंगे नैया। सरकार तो लगा ही है, सरकार का भी धन्यवाद, और सब बच्चों को निकाल रहे हैं ठीक से, वहीं हम लोग के लिए उससे खुशी की बात क्या है। जी बस यही खुशी की बात है कि वो बाहर बस जल्द से जल्द अब बाहर निकाले जा रहे हैं लोग, बस बहुत खुशी हो रही है। दुआ ही रंग लाई, सब कोई का दुआ उनके साथ था, सारे लोग सुरक्षित निकले। हाँ अब उम्मीद जाग गई है सर, अब बहुत जल्द मेरा बच्चा बाहर आ जाएगा, सभी लोग आ जाएंगे, 4100 मजदूर अब आ जाएंगे बहुत जल्द, हमको भी न्यूज़ मिल रही है। मेरे बड़े भाई साहब हैं, निकल जाएं जल्दी जल्दी, बस यही है उन्हें सर, बस निकल जाएं बस उतने। हाँ मुस्कान तो है, आप भी तो देख रहा है, मुस्कान जैसा ही लग रहा है शायद। खुश हैं? खुश तो लगेगा इतना दिन के बाद। अच्छा लग रहा है, निकल जाने के बाद तो अच्छे से स्वागत करेंगे उनको। कहाँ के रहने वाले हैं? उनको बिहार के रहने वाले हैं। जी तो अब जाने की क्या कुछ तैयारी है, कैसे जाएंगे? डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है वो होने के बाद ही पता चलेगा ना, फिर आगे का क्या प्रोसेस है। तो परिजन जो एक लंबा इंतजार कर रहे थे और आज उनकी जो खुशी है वो साफ उनकी बातचीत से सुनाई और समझी जा सकती है। संजय से हम बात कर लेते हैं इस पर, क्योंकि उन्होंने ही तमाम परिजनों से बात की है। संजय, 17 दिन से सुरंग में उनके अपने फंसे हुए हैं, आप उनसे बात लगातार कर रहे हैं, कैसा उत्साह, मतलब उम्मीद कहीं टूटी थी या लगातार बनी हुई थी कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, ये दिन जरूर आएगा? देखिए अच्छी बात इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में ये थी कि जितने मजदूर उस ओर फंसे हुए थे उनसे लगातार कम्युनिकेशन किया जा रहा था, और अभी कुछ दिन पहले BSNL की एक लैंडलाइन फ़ोन भी वहाँ पर दिया गया था जिससे सारे श्रमिक अपने घरों में फ़ोन कर रहे थे, तो एक उम्मीद तो निश्चित रूप से बंधी हुई थी। और जिस तरह से एक सबसे अच्छी बात थी कि टनल के भीतर जा करके जो श्रमिकों के परिजन हैं वो लगातार अपने जो भी लोग उनके भीतर फंसे हुए हैं उन सबसे सीधे जा करके बात कर रहे थे। और आपने देखा होगा पिछले हफ्ते एक वीडियो भी आया था जिसमें के सारे जो अंदर फंसे हुए श्रमिक हैं उनके विजुअल्स आए थे। इन सभी को देख करके सबके मन में एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि ये सारे के सारे लोग, उनके घर के लोग सभी आराम से हैं, कोई समस्या नहीं है। बस थोड़ी सी समस्या यही है कि 17 दिन से वो इस 2 किलोमीटर एरिया की अंधी सुरंग में बंद है, ये समस्या उनके सामने सबसे बड़ी थी। और इस वक्त आप देखिए उनके जो परिजन हैं, मैं उनकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सामने की ओर बैठे हुए हैं, जैसे यहाँ हर कोई इंतज़ार कर रहा है वैसे वो सब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो पल आएगा जब 800 mm की टनल से सभी श्रमिकों को एक एक करके निकाला जाएगा और ये लोग जा करके उनसे मिलेंगे। और सभी के पास देखिए बैग हैं, क्योंकि सब अपने परिजनों के लिए नए नए कपड़े लेकर के आए हैं, खाने का बहुत सारा सामान लेकर के आए हैं, बहुत उम्मीदों के साथ आए हैं। और अब जब ये श्रमिक भीतर से बाहर आएंगे तो ये उनसे जाकर मिलेंगे, तो एक उम्मीद तो थी, ऐसी कोई बात नहीं थी कि निराशा हाथ लगी हो। और आज जब ये सारे श्रमिक बाहर निकलने वाले हैं कुछ ही देर बाद,
तब इनके मन में एक खुशी का भाव है। सभी लगातार इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि उनके घर के लोग सुरक्षित हों और जल्द से जल्द ये सारे के सारे बाहर निकल के आए। श्रीन, बिल्कुल उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द बाहर निकलकर आज तैयारियां की गई हैं अलग अलग स्तर पर और हॉस्पिटल्स में भी खास तैयारियां हैं। दीपक का मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूं। दीपक, वहां कैसी हलचल, कोई हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वहां कोई जानकारी पहुंची है कि इतना समय लग सकता है मजदूर यहां लाए जाएंगे? शिरीन, आप समझिए जैसे ही टनल के बाहर से एम्बुलेंस का सिलसिला निकलना शुरू होगा उसके तुरंत बाद ही ये उम्मीद जताई जाएगी कि यहाँ पर भी हलचल तेज़ हो जाए और 30-40 मिनट का वक्त होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर ये तमाम एम्बुलेंस पहुँच जाएंगे एक एक कर। हालांकि अभी ये भी तय होना बाकी है कि कितने एम्बुलेंस में इनको लेकर आया जाएगा, क्योंकि स्थिति अगर ज़्यादा ख़राब रही तो एक एम्बुलेंस में एक व्यक्ति होगा, इसीलिए 41 एम्बुलेंस को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर बुलाया गया था, स्टैंड बाई पर रखा गया था। जब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके बाद से ये तैयारी थी और इस वक्त अगर आप देखें तो आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात नजर आएंगे जिन्होंने पूरे अस्पताल को एक तरीके से सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया है, क्योंकि नहीं चाहती प्रशासन भी कि बहुत करीब से बहुत ज़्यादा लोग उनसे मिलने पहुँच जाएं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें उनको समस्याएं हो सकती हैं। आप समझिए कि 17 दिनों के बाद अगर कोई बाहर आएगा तो उसकी मनोस्थिति क्या होगी, उस सबको समझते हुए उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं। हालांकि बहुत बड़ा अस्पताल नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, बहुत छोटा अस्पताल है, लेकिन इसमें तैयारी इस तरीके से की गई कि अगर ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत पड़े तो पहले से रख दिए गए हैं, दवाइयों का स्टॉक रख दिया गया है। और लगातार यहां पर आप देखिए, एक तस्वीर और दिखाते हैं आपको, क्योंकि एयर स्ट्रिप बिल्कुल नजदीक है, हेलीकॉप्टरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, आना जाना लगातार हो रहा है, क्योंकि कई सारी टीम्स जो बुलाई जाती हैं वो भी इसी माध्यम से यहां पर आती हैं। और कुछ दिनों पहले तक जब हम लगातार 17 दिनों से कवरेज दिखा रहे हैं, उस दौरान हमने देखा कि जितनी बड़ी मशीनें हो, चाहे ऑगर मशीन हो पहली वाली, दूसरी वाली, चाहे इंदौर से मंगाई हुई ऑगर मशीन हो, चाहे प्लाज्मा कटर हो, वो इसी 44 सौ के एयर स्ट्रिप पे उतरा और फिर यहीं से वो सड़क के रास्ते वहां टनल तक पहुंचा जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है। तो ये तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं शिरीन। ठीक है, जैसी कोई जानकारी आपके पास भी होगा दीपक, हमारे दर्शकों को आप बताइएगा, रहिए हमारे साथ। तो देखिए, पूरी टीम हमारी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है, लेकिन ऑपरेशन जिंदगी और इस कामयाबी की कहानी जो थोड़ी देर में पूरी तरीके से ऑपरेशन जो है वो पूरा हो जाएगा, कामयाबी की कहानी लिखने वाले कई चेहरे हैं, उन चेहरों को भी आपसे हम रूबरू करवाते हैं। देखिए यहां पर वो एक एक करके वो नाम आपके सामने, अर्नोल्ड डिक्स, ये इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट हैं, ये भी बुलाए गए, क्रिस कूपर माइक्रो टनलिंग एक्सपर्ट, महमूद अहमद एमडी एनएचआई डीसीएल, और उसके बाद उधर देखिए आप, मेंबर एनडीएमए के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन, थोड़ी देर पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जानकारी दी थी। और इसके अलावा कुछ और चेहरे, मंगेश घिल्डियाल हैं, उप सचिव हैं पीएमओ के, फिर इधर पूर्व सलाहकार पीएमओ भास्कर खुलबे, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, लगातार इस पर नजर बनाकर रखे हुए हैं, वीके सिंह केंद्रीय मंत्री आज भी वहां पर पहुंचे, और इसके साथ ही नोडल अधिकारी नीरज खेरवार। तो ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाने में अपनी भूमिकाएं निभाई हैं, इस पर भी लगातार हमारी नजर है। अच्छा, एक बार फिर अंकित के पास आपको लिए चलते हैं। अंकित, कुछ एक घंटे की बात कही जा रही है, कोई और जानकारी सुरंग से मिल रही है क्या? वो जो पाइप बताया जा रहा था कि बाधा बन रहा है, उसमें कोई सफलता मिली, कोई ऐसा अपडेट? देखिए, उस पाइप को काटने का काम लगभग पूरा हो गया जैसे कि जानकारी निकल के सामने आई है, और वो पाइप बाधा कैसे बन रही थी वो बता देता हूँ अपने दर्शकों को कि वो बाधा वहाँ पर बन रही थी कि जब एनडीआरएफ के जो जवान हैं जो अंदर पहुँचे, उनको जो स्ट्रेचर डालना है अंदर, स्ट्रेचर पर उनको जो श्रमिकों को लिटालना है, तो वहाँ पर जो है उसमें दिक्कत आ रही थी, क्योंकि पाइप आगे का थोड़ा सा कर्व हो गया था, मुड़ गया था, और इसी वजह से उनको जो है बाहर तो आप निकल सकते हो लेकिन अंदर आने में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से उसको आगे का हिस्सा काटा गया है। और तभी लगातार ये कहा जा रहा था, मुख्यमंत्री हो या तमाम एक्सपर्ट हो, कि हमको थोड़ा सा एडिशनल पाइप ही रखना है, भले ही आप 57 मीटर की दूरी पर हो लेकिन जो पाइप अंदर भेजा गया है वो करीबन जो है 1-2 मीटर आगे ज्यादा भेजा गया है और पीछे भी 1-2 मीटर ज्यादा है, इसी वजह से जो पाइप की लंबाई है, ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए ज्यादा रखी गई थी। आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं श्रीन, 30 सेकंड और लूंगा। देखिए, हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं, परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, संजीव अगर आप इनका जो है 30 सेकंड में तस्वीरें दिखा पाए, कि ये देखिए, ये जो महिलाएं हैं ये सुबह से इसी तरीके से यहां पर बैठी हुई हैं। सिर्फ इन महिलाओं को ही नहीं, आपको एक तस्वीर और दिखा देता हूं कि पहाड़ियों के ऊपर किस तरीके से महिलाएं भी अभी भी इंतजार कर रही हैं, यहां पर सर्दी बढ़ रही है। संजीव, आपके पीछे की तरफ वो देखिए किस तरीके से वहां पर महिलाएं बैठी हुई है, ये बिल्कुल और इंतजार अब अंकित उन तस्वीरों का है जब वो 41 मजदूर इस टनल से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे, और उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद हमें आप वो तस्वीरें भी दिखाएंगे।